यहाँ पर समझा रहे हैं द्रव्यार्थिक के 10 भेदों को। तो पूर्व में आपने छठवां सूत्र पढ़ा था जिसमें भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने से आत्मा ज्ञान दर्शन स्वाभाविक है, ध्यान ज्ञान से गुण है। अब अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक ने की दृष्टि से अब कथन करते हैं। तो अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थ गुण पर्याय स्वाव द्रव्यम, अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थता गुण पर्याय स्वाव द्रव्यम। एक विशिष्ट बात समझना आप कि ये दसों नए, यद्यपि द्रव्यार्थिक कहने से काम चल जाता, इनको अलग अलग व्याख्यात क्यों किया जा रहा है? तो ऐसा है कि आजकल हम तत्व को समझने के लिए बहुत सरल हो चुका है। ये माइक है ना, एक वो डंडा माथे हाथ में पकड़ लो, उस माइक के माध्यम से आप कोई बाहर नहीं कुछ नहीं हो, कॉल रेस चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए उसकी सीमा रहती है, अपनी सीमा के बाहर निकल गया तो कोई काम नहीं करता। इसी प्रकार से उसका संबंध विच्छिन्न हो गया। इसी प्रकार से मोबाइल है, वो वहीं काम करते हैं जहाँ पर उनके तरंगे हैं, नेटवर्क है, सीमा के बाहर गया टावर के, वो काम नहीं करता। ऐसे ही व्याख्यान के काल में मैं 480 से बोल रहा हूँ, कल ने बहुत सारे चिंतन सुना रहे थे द्रव के पर्याय के बारे में, ठीक है। अब ये अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थक ने क्या कह रहा है? कथन करते समय जैसे कि शून्यवादी निकल गए नेटवर्क के बाहर चले गए, नित्यवादी नेटवर्क के बाहर चले गए, ए बालक बातें कौन कर रहा है, बाहर निकल गए। आपको भी कीमत का पता नहीं है ज्ञान की। 1 लाख के एक दिन के भी पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, अभी आप इसको सरल समझ रहे हो। आचार्य ने मालूम क्या बोला था ब्रागोदय में, बोले भैया विश्व सागर यहाँ जो पढ़ाई चल रही है अभी, हमारे यहाँ थोड़ी चल रही है अभी, हमें भी दूसरे काम में लगे। स्पष्ट बोला था, बोले बोला भैया हमारे सभी गुरु भाइयों ने हमसे एक बात कही सुब्र सागर, बोले इतने दिन निकल गए एक क्लास लग जाती कितना अच्छा लगता, ऐसा बोला हमसे। आओ तो आप विषय समझो, जब आप यहाँ से जाते हो बाहर प्रवचन करते हो, प्रभावना करने जाते हो, तब तुमको महसूस होता है कि भाई हम क्या सीख क्या है। हमने समत्व सा उस दिन पूरा प्रवचन सुना, ठीक है, परंतु पूरा जो हम बोल रहे थे वही शब्द निकल रहे थे, एक एक जैसे अभी लिख के रख लिया हो, पूरा वैसे ही वैसा। अपन तो अंदर थे ना, एक एक दृष्टांत भी तो वही था। तो मेरा मतलब समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ऐसा क्यों बोला, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम सुनो तो वही तुम्हारा निकलेगा। इसलिए अभी अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक ने तुमको छोटा दिख रहा है, जबकि कितना महत्वपूर्ण है सारस्वत जी, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नय है। वो क्या कह रहा है? तुम गुण की प्रधानता से व्याख्या कर सकते हो, द्रव की मात्र प्रधानता से व्याख्या कर सकते हो, पर्याय की प्रधानता से व्याख्या कर सकते हो, लेकिन अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थक ने कह रहा है ये आप व्याख्या करते रहिए पर अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थक का आश्रय ध्यान रखना, इतने बाहर मत निकल जाने कि आपको फिर टावर मिलना बंद हो जाए सीमा के बाहर। अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थक ने कह रहा है कि गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम, गुण से पर्याय से युक्त है उसका नाम द्रव्य है। अब ये अन्वय सापेक्ष क्यों बोल दिया? ये आचार्य देवसेन स्वामी की प्रज्ञा है, उन्होंने कुंद कुंद के साहित्य को बहुत अच्छे समझा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 85 में 2-3 गाथा लिखी है, ये 3 गाथा तो पक्की है, पर्याय रहित द्रव्य, द्रव रहित पर्याय, गुण रहित द्रव्य, गुण रहित पर्याय, समझ रहे ना। ये अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नहीं,
पज्जे विजुदन दब्बम दबुजुदन पज्जे नत्थी दोनों में अनुभूता भाभा समना प्रूविंती तो वो ये कह रहे हैं दब्बेड़ बिना गुणा दब्बेड़ बिना गुणा गुड़ेड़ बिना अभिद्रिक्तो भावो। इसलिए ये अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक न है, ये जो रहे ना अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक है। स्वभाव क्यों का, स्वभाव क्यों का, आपको बोध होना चाहिए द्रव्य। अरे भाई अन्य नयों में कुछ भी ले लो पर अन्वय सापेक्ष बोल रहा है गुण पर्याय स्वभाव द्रव्यम, जो द्रव्य है उसका स्वभाव है गुणों से पर्याय से युक्त रहना, ये द्रव्य का स्वभाव है, ये द्रव्य का धर्म है। यहाँ स्वभाव से मतलब नहीं धर्म है, त्रिकालिक धर्म नहीं लेना, ये अर्थ नहीं लेना भाई। ओ उल्टी सीधा अर्थ मत करना, यहाँ ये अर्थ नहीं है कि क्या बोले आप, स्वभाव नामी कोई वस्तु नहीं है। अब सुनो ध्यान से, नहीं वस्तु गुण नाम की है, पर्याय नाम की है। स्वभाव को मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वास्तव में जो गुण है वही स्वभाव है। तो गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम, जो गुण पर्याय स्वभाव से युक्त है, जो गुण पर्याय स्वभाव से युक्त है, जिस पहले सुन भाई तुम जो अर्थ कर रहे हो कर लो एक बार फिर हमारा अर्थ सुनो। गुण से पर्याय से और स्वभाव से युक्त तो उसका नाम द्रव्य। अब गुण स्वभाव, गुण स्वभाव से पर्याय स्वभाव से युक्त तो वो द्रव्य। जब तीन कथन करोगे ना तो जो उन्होंने अस्थि स्वभाव नास्ति स्वभाव नित्य स्वभाव उन स्वभावों को लक्ष्य लिया है, परंतु आला पद्धति कह रही तो है भाई। तुम मेरी तरफ तो देखो, हम आपसे इसलिए परेशान हैं कि आप जो पढ़ लेते हो उसके आगे फिर बढ़ते नहीं हो। आप मेरी बात को समझो, जो यहाँ लिखा सही लिखा, जो हम कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, ठीक है। आप पहले इधर देखो, जो अस्थि स्वभाव है वो द्रव रहित नहीं होता, अस्थि स्वभाव है वो पर्याय रहित नहीं होता। द्रव पर्याय के अस्तित्व को दिखाने के लिए अस्थि स्वभाव है, वो अस्थि स्वभाव व्याख्यान है। हो अस्थि स्वभाव व्याख्यान है वस्तु के सत्ता को मौजूदगी को दिखाने के लिए। गुण में पर्याय की मौजूदगी है, गुण में द्रव की मौजूदगी है, द्रव में गुण की मौजूदगी है, पर्याय में द्रव की मौजूदगी है, गुण पर्याय से युक्त द्रव्य है। तो जब हम गुण पर्याय से युक्त है ना तो उसको हम ऐसा बोल सकते हैं गुण पर्याय स्वाभाविक द्रव्य है, गुण पर्याय स्वाभाविक द्रव्य है। जो लिखा वो तो लिखा है लेकिन आगे भी तो समझो, गुण पर्याय स्वाभाविक द्रव्य है। द्रव में गुण स्वभाव भी होता है, द्रव में पर्याय स्वभाव भी होता है। अब एक उसको मैं अलग से कथन करना है तो अस्थि स्वभाव, तो अस्थि स्वभाव कौन सी वस्तु है इसका उत्तर दीजिए आप सत्रम शीघ्र। अस्थि स्वभाव कौन सी वस्तु है, अरे कौन सा गुण है, ठहर भाई उनको बोलने दो अभी, बोलो बोलो अस्थि नाम की कौन सी वस्तु है, कौन सा स्वभाव है। अस्थि अस्तित्व गुण है ना, ये कौन सा गुण है। देखो आप लोग जो है ना हम जहां से तुम्हें बुलवाना चाहे हो तुम बोल नहीं पा रहे हो, पहले समझिए ध्यान से, आप समझो ज्ञानी समझो अस्थि स्वभाव कौन सा गुण है, कौन सा स्वभाव है, है भी कि नहीं भी है, पहले मेरी बात समझो मेरे प्रश्न समझो भाई, डांट नहीं रहा मैं समझा रहा हूं चिल्ला करके। इधर देखो अस्थि स्वभाव नाम की कोई वस्तु है भी कि नहीं,
अस्थि नाम की कोई वस्तु है क्या लोक में? वस्तु है, उसकी अस्थि है, उसके लिए स्वभाव कहा जा रहा है। बालक समझो, वस्तु है, उसके अस्तित्व को बताने वाला अस्थि स्वभाव है। मैं जो पूछ रहा हूं तो उत्तर दो या आगे बढ़ो मत, पहले हाथ हटाओ तो आप भी मुझे नहीं दिखोगे। सुनो, देखो समय बर्बाद मत करो, आप पहले समझो। हम आपकी बात को समझ, हमारी बात को तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अस्थि नाम का कोई स्वभाव नहीं है। एक मिनट रुकना, अरे यार तुम ऐसा बोलना सीख चुके हो। अस्थि नाम का कोई स्वभाव नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जबकि अस्थि स्वभाव है। आप टेंशन मत लो, अस्थि नाम का कोई स्वभाव नहीं है। ये तत्व का निर्णय, एक बार तुम्हारे संयम में दोष लग गया तो तुम ठीक करके मोक्ष चले जाओगे, लेकिन श्रद्धा में दोष लग गया मोक्ष नहीं जा पाओगे। एक एक तत्व का निर्णय सम्यक होना चाहिए। अस्थि नाम का कोई वस्तु कोई स्वभाव नहीं है। पहले सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप तो ये बोलो कि इतनी दमंगी से बोल रहे हो जबकि यहाँ लिखा अस्थि स्वभाव। अस्थि नाम का कोई स्वभाव नहीं है, वस्तु है, वस्तु की मौजूदगी को बताने वाला अस्थि स्वभाव है। बोलो बराबर है कि नहीं? सारसद जी अब पहले सुनिए ध्यान से। तो अब जो अस्थि है वो अस्थि अपने आप में कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, ठीक है? कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। समवायीकरण दिखाने के लिए अस्थि स्वभाव है। किसका समवायीकरण दिखा रहे हो? गुण की अस्थि मौजूदगी है, पर्याय की मौजूदगी है, और गुण पर्याय की मौजूदगी है, गुण पर्याय की मौजूदगी है, अस्थि स्वभाव से युक्त है वो मौजूदगी, वही द्रव्य है। वही क्या है? द्रव्य है। अब हम उसको स्वभाव में ले जा रहे हैं जिसमें द्रव्य की अस्थि स्वभाव है, नहीं, जिसमें पर्याय की अस्थि है, जिसमें गुण की अस्थि है, उसका नाम द्रव्य है। फिर भी तुम्हारी शांति नहीं मिल रही, सातार नहीं मिल रही है, तो फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं गुण पर्याय उस स्वभाव से युक्त है, उसका नाम द्रव्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन फिर हम पीछे से प्रश्न कर देंगे, ये स्वभाव कौन सी वस्तु है? तो भाई अस्थि स्वभाव तो जो है अस्तित्वम वस्तुत्वम प्रमेयत्वम अगलोकत्वम प्रदेशत्वम चेतनत्वम अचेतनम मूर्तत्वम उत्तम द्रव्याणम दस सामान्य स्वभाव है। ये द्रव्य का दस सामान्य स्वभाव है, सामान्य गुण है, ठीक है? अब गुणा स्वभाव आना भवंती, गुण स्वभाव नहीं होते, तो फिर हम क्या लगाएंगे? ज्ञान दर्शन स्वभाव। तो ज्ञान स्वभाव दर्शन स्वभाव ये स्वभाव है कि नहीं? ज्ञान दर्शन क्या है? स्वभाव है ना वस्तु का। तो जो स्वभाव है ना वो तो गुण है, वो तो गुण है, इसलिए इस स्वभाव गुण एक ही है। जब स्वभाव गुण को एक ही मानते हो तो फिर ऐसा कहना, इसी सूत्र का अर्थ है, ऐसा कहना जिसमें गुण स्वभाव और पर्याय स्वभाव मौजूद रहता है उसका नाम द्रव्य है। निकल गए वो तो है ही, अब तुम नहीं निकालना चाहते तो फिर रट्टू धोते बन के पढ़ते रहो, ठीक है? अरे देवसेन स्वामी के अनुसार ही हम अर्थ निकाल रहे हैं। देवसेन स्वामी ने एक एक वस्तु को तीन तीन प्रकार से कथन किया बेटा, ठीक है? मित्र यही आठ, यहाँ आठ नहीं बजाने हमको, अब बस आपको समझ में आ गया ना? बस आपको ही तो समझाना था, बाकी हमारे सब समझ गए हैं। ठीक है, तो अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय से, हाँ बोल दो, तुम्हें इसी में शांति मिलती है ऐसे बोल दो। लेकिन
अनवय द्रव्यार्थ, अनवय सापे द्रव्यार्थिक नए आचर देवसेन स्वामी ने इसलिए लिखा है कि ये पागल लोग उल्टी सीधी ना कर लें। ठीक है, हमने जहाँ नित्य व अनित्य को भी देखा है अनवय स्वभाव में, लेकिन आपने नित्य को ही देख के चलो संग हो गए, अनित्य को देखो बुद्ध हो गए। अनवय स्वभाव तुम्हारे पास ज्ञान नहीं था अनवय द्रव्यार्थिक नहीं का। और जहाँ गुण बोलो तो द्रव्य रहेगा, पर्यावरण द्रव्य रहेगा, और स्वभाव बोलो तब भी स्वभाव को तो पीछे चलना ही पड़ेगा। स्वभाव तो छाया है हमारी, छाया उसको लेके मत चलो, अपने आप चलेगी। नमो रिंता नमस्तनु अर्जुन सौ सावड़न अत पुराणिक स्वा